Hello students, today we will continue our chapter number 4, which is basic geometrical ideas. Today we will discuss about angles, triangles, quadrilaterals and circles. Let us see the first one. First one is angle. What is angle? Angle is made of two rays whose end point are same. End point jo hai uska same hoga. Yahan pe maine two rays li hai, OA and OB. We can see that the end point of both rays is same. मतलब कि यहाँ पे ओ ए का एंड पॉइंट क्या है, ओ, एंड ओ बी का एंड पॉइंट जो है वो ओ है, और उससे एंगल बने, उससे क्या बनेगा, हमारा एंगल बनेगा. एंगल्स हैविंग टू पॉइंट्स, दैट इज इंटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर पॉइंट. अगर मैं यहाँ कहीं पे भी अंदर पॉइंट लेती हूँ तो वो हमारा होगा इंटीरियर पॉइंट. And if I am taking any point outside of the angle, that is called exterior point. We can call our A as what, O as vertex, and हमारी जो sides जो है, means हमारा जो rays है जो दोनों OA and OB, we can call it sides or arms. Okay? What is called? हमारी जो दोनों रेज जो है ओ ए एंड ओ बी, जिससे हमारा एंगल बन रहा है वो हमारी होगी साइड्स और आर्म्स, और ओ जो हमारा क्या होगा, वर्टेक्स होगा. ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट ट्राइंगल. व्हाट इज ट्राइंगल? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट पॉलीगोनल. व्हाट इज पॉलीगोनल? पॉलीगॉन्स क्या है हमारे? कोई भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ शेप. कितनी भी लाइन सेगमेंट होगी उसमें, लेकिन वो कोई शेप बना रहा है तो हम उसे पॉलीगॉन्स बोलते हैं. तो ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट. अगर मैं थ्री लाइन सेगमेंट से कोई भी पॉइंट, कोई भी शेप बना रही हूँ तो वो हमारा क्या होगा, दैट विल बी ट्राइंगल. ओके, फॉर सपोज मैंने यहाँ पे नाम दिया ए ओ बी. नाउ ट्राइंगल्स इज ट्राइंगल्स जो होते हैं उसके भी एंगल्स होते हैं. मतलब कि यहाँ से मैं ओ बी साइड जो है वो निकाल दूँ तो वी कैन सी दैट वी आर हैविंग टू साइड दैट हैविंग एंगल. इफ मैं यहाँ से हमारी जो साइड है वो निकाल दूँ तो वो भी हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ भी एंगल बन जाएगा. सेम एज यहाँ पे भी हमारा एंगल बन जाएगा. मतलब कि ट्राइंगल में हमारा ट्राइंगल जो है हमारा वो एंगल से बना हुआ है. टोटल ऑफ एंगल इज 180. ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स होता है, तीनों एंगल्स होते हैं उसकी, उसका टोटल क्या होगा, दैट विल बी 180. ऑलवेज इट विल बी ऑलवेज 180. नाउ विल डिस्कस अबाउट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल इज सेम एज ट्राइंगल. ट्राइंगल में मैंने क्या बताया आपका कि एनी शेप हैविंग थ्री लाइन, हम कोई भी शेप बनाते लेकिन उसमें थ्री लाइन सेगमेंट्स है तो वो हमारा क्या होगा, ट्राइंगल होगा. उसी तरह से फोर साइड से, फोर लाइन सेगमेंट से बना हुआ हमारा कोई भी शेप है तो वो हमारा क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा. मीन्स कि हमारा जो स्क्वायर है और हम बनाते हैं रेक्टेंगल बनाते हैं तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी ऑल्सो अवर क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल में भी मैंने यहाँ पे ए बी सी डी नाम लिया है. नाउ क्वाड्रिलेटरल्स में भी कुछ चीज़ें होती है दैट वी हैव टू लर्न, दैट इज अवर एडजेसेंट साइड्स एंड एडजेसेंट एंगल्स. यू वी हैविंग ए बी एंड बी सी. ए बी एंड बी सी जो है वो सेम पॉइंट से, मीन्स दोनों के एंड पॉइंट्स जो है हमारे कॉमन पॉइंट्स हैं. यहाँ पे बी जो है वो कॉमन है तो ए बी एंड बी सी आर कॉल्ड अवर एडजेसेंट साइड्स. सेम इज इसमें जो एंगल बन रहा है ए डी ए बी एंड ए बी सी, दैट एंगल ए एंड बी आर कॉल्ड अवर एडजेसेंट एंगल्स. यहाँ पे ए एंड बी जो है वो एडजेसेंट एंगल्स हो गए. सेम इज बी एंड सी जो है वो भी एडजेसेंट एंगल हो गए. सी एंड डी जो है वो भी एडजेसेंट एंगल हो गए. और सेम इज ए एंड डी जो है वो भी हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो गए. सेम इज हम देखेंगे अपोजिट साइड्स. अपोजिट्स क्या, साइड्स क्या होगी हमारी, ए बी एंड सी डी जो है वो अपोजिट साइड्स होगी. और सेम इज ए डी एंड बी सी जो है वो भी अपोजिट साइड्स होगी. ओके, नाउ अपोजिट एंगल. व्हाट इज अपोजिट एंगल? यहाँ पे वी कैन सी दैट एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट एंगल्स एंड एंगल सी एंड एंगल ए आर अपोजिट एंगल्स. दैट इज
some things about quadrilaterals. Now we will see circle. If I am taking a circle, बीच में अगर मैं कहीं भी बीच में मैं पॉइंट ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज अवर सेंटर. ओके, अब सेंटर से लेके मैं यहाँ पे सर्कल के एंड पॉइंट पे कोई भी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, दैट विल बी अवर रेडियस. ओके, रेडियस कैन बी शोन बाय, मीन्स रेडियस की साइन क्या होगी, आर. जब हम सम्स करेंगे तब रेडियस को हम आर से डिनोट करेंगे. ओके, यहाँ पे एंड हमारे सेंटर पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक की जो लाइन है उससे हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे. रेडियस का जो डबल है, मतलब कि मैं अगर ये पूरी लाइन लेती हूँ तो ये क्या हो गया, डबल हो गया. तो डबल, रेडियस का जो डबल है हमारा, वो हमारा कहलाता है डायमीटर, दैट इज अवर डायमीटर. नाउ वी विल सी कोड, व्हाट इज कोड. इफ आई एम टेकिंग अ लाइन, यहाँ पे मैं फॉर सपोज ये सर्कल है हमारा, और मैं यहाँ पे कहीं पे भी बीच में नहीं ड्रॉ कर रही हूँ लेकिन साइड में कहीं पे भी ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज़ अवर कोड. उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, कोड ए बी. एंड सेगमेंट क्या होगा हमारा, जो एरिया जो है इसका नीचे का, वो हमारा क्या होगा, सेगमेंट. नाउ वी विल सी आर्क. आर्क क्या होगी हमारी, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ड्रॉ किया है, दैट इज अवर सेंटर पॉइंट, और यहाँ जो इतना पोर्शन मैं ले रही हूँ अगर, दैट विल बी अवर आर्क. ओके, दैट विल बी अवर आर्क. एंड जो एरिया जो ये कवर कर रहा है वो क्या होगा हमारा, दैट विल बी अवर सेक्टर. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कोड, व्हाट इज कोड. इफ आई एम टेकिंग सेंटर में नहीं लेकिन साइड में कहीं पे भी, यहाँ भी ले सकती हूँ, यहाँ भी ले सकती हूँ, यहाँ भी ले सकती हूँ. यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे एक ए बी ड्रॉन किया है, और ए बी जो है हमारा वो क्या होगा, कोड होगा, और ए बी से जो एरिया कवर हो रहा है वो क्या होगा, उसका सेगमेंट. सेम एज यहाँ पे मैंने ऐसी लाइन, दो लाइन्स ड्रॉ की है, तो ये यहाँ पे बाहर का जो पोर्शन है वो क्या होगा हमारा, दैट विल बी अवर आर्क. एंड जो पोर्शन इससे कवर हो रहा है वो क्या होगा हमारा, दैट विल बी अवर सेक्टर. सो दैट इज़ सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़.